हाँ जी दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? सब ठीक हो भाई? दोस्तों, ये हमारी एक और वीडियो आ रही है स्पेशल गोवंश बद्री गाय की, जो गौशाला है आप देख पा रहे हैं हमारी, और बद्री गाय का जो गोबर है उसके ऊपर एक विशेष एक वीडियो बना रहे हैं ये उमेश भाई। गोबर को कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं। उमेश भाई बैठिए जरा। उमेश भाई, ये जो गोबर का जो खाद आप दिखा रहे हैं, इसके बारे में आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्या कहना चाह रहे हैं बताइए। सबसे पहले तो जब हम इनके गांव गए, उस गांव में गोबर का ढेर पड़ा था, वो भी इसी गाय का बता रहे थे, उसी गाय का बद्री का। उसमें आप यकीन नहीं मानोगे, बहुत कम जगह ऐसा देखने को मिलता है, क्योंकि केमिकल जहाँ होंगे वहाँ केचुए नहीं आ पाएंगे। वहाँ इतना सा 1 इंची हाथ डालते केचुआ मिल जाता, और भारी मात्रा में केचुआ मिला। हालांकि वो भी हम जाते हुए रिकॉर्ड कर लेंगे। अच्छा, इस गोबर की बात करें तो उसकी आप क्वालिटी देखिए, ये नेचुरल खाद है। हम लोग शहर में गोबर को कंपोस्ट करते हैं तरह तरह के, आजकल वेस्ट डिकम्पोजर का इतना नाम हो रहा है, वेस्ट डिकम्पोजर का जगह जगह नाम हो रहा है, और काफी सारी कंपोस्ट, ये केचुआ अपन बाहर से परचेज करके लेके आते वर्मी हैं, कंपोस्ट। 30 दिन 60 दिन का हमारा जो कंसेप्ट होता है, फिर हम लगे हाथी भी उसको डाल देते हैं। बाबूजी बता रहे हैं ये गोबर, हालांकि ये तो नहीं है, ये तो हो सकता है कुछ दिन पुराना हो, लेकिन इसके नीचे का डॉक्टर साहब वहां दिखाए हुआ, मतलब ये इन्होंने स्टार्टिंग किया ना, जब स्टार्टिंग किया वो खेतों में चला गया, 90 तक का यहाँ पड़ा है। कारण कि ये लोग, इनको जरूरत ही नहीं है, इनको ये खाद डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहाड़ों के अंदर नेचर अपना खुद काम करती है। लेकिन अगर ये कोई भाई अगर मंगवाना चाहे तो दुनिया की सबसे सुपर खाद है ये, नेचुरल तरीके से बनी हुई सबसे सुपर खाद है, और बहुत पुरानी खाद है, और कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड, जितना पुराना है काला सोना है, काला सोना। देखिए ये गौ माता खुद मेरे पास में आ रही है, ऐसा भी कहा जाता है। बाबूजी कह रहे थे कि अगर कोई दूसरा आदमी आता ना तो ये भाग जाती। आज मुझे भी आनंद दे रहे, आज आपको भी आनंद दे रही, तो कहने का मतलब ये क्या कह रहे बाबा, प्रेम है, मुझे भी आनंद दे रहे। अच्छा, ये गौ प्रेम है जो भैया हमारे भाप लेती है। कल या परसों मैं आता था तो ये सारे मेरे शरीर में, ये आप देखिए, ये आप देख सकते हैं किस तरीके से चल, तो ये प्रेम है कहीं ना कहीं इनका, तो ये प्रेम को भागती है। गाय बहुत संतोष है, बहुत संतोष। कौन सी? बहुत ठंडी है ये गाय, काली वाली, काली वाली, घंटी वाली। अच्छा दोस्तों, ये मैं एक चीज और दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे देखिए कैसे घंटी बांध के, ये घंटी क्यों बांध के रखते हैं, क्या कारण है? जैसे माना बात, अगर गाय कहीं दूर चले गई ना, हम उनको ढूंढने चले गए, धार के उधर चले गए थे, जो मेरा भाई है वो उधर चले गया था, फिर इसकी घंटी सुनाई। अच्छा, फिर आगे चले गए, फिर तब जाके मिली सारी गाय। अच्छा, घंटी ये इसी गले, इसी गाय के गले में क्यों बांध के रखते हो? और दूसरी के तो है गले में, पर कोई जो ऐसे मतलब ठीक ठाक गाय होते ना, पकड़ने देती है तो वो चोरी कर लेते हैं। अच्छा, काट लेते हैं उनको। अच्छा अच्छा, मैं तो खाना लेके क्या रखा, क्या हाथी? हाँ, वो साहिवाल है, थारपारकर है, राठी है, रेड सिंधी है। ये आप देखिए, चलो उधर थोड़ा उधर चलते हैं। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे किस तरीके से गोबर की मैं क्वालिटी जरूर आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए जो रिंग बने हुए ना, नेचुरल रूप से जो रिंग बने हुए हैं, वो मैं और दिखाता हूँ आपको, ये मैं आपको और दिखाता हूँ नेचुरल रूप से जो रिंग बने हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि ये देखिए ये देसी गोवंश में क्या होता है कि लेयरदार एक परत है, ये देखिए, ये देखिए ये एक अलग परत है, ठीक है, तो इस तरह हर एक लेयर इसमें लेयरदार होती है, और इसके गोबर में जो है ना बिल्कुल एकदम प्योर शुद्ध जड़ी बूटियों वाला गोबर है ये, कोई इसमें तूड़ी नहीं खिलाते इनको, कोई दाना नहीं खिलाते, और बहुत ही अच्छा है। कोई भाई जो भाई मेरे से कई भाई गोबर की डिमांड करते हैं कि हमें बद्री का गाय का कुछ गोबर चाहिए, तो मैं यहाँ से कुछ लेके जाऊँगा सैंपल, 1-1.5 किलो जितना भी ले जा सके, और उसके क्योंकि वेट में हल्का होता है, वॉल्यूम में ज़्यादा होता है, और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एकदम, ये देखिए या ये आप देख सकते हैं गोबर, इस पे आप इसमें थोड़ी सी जैसे लोबान मिला सकते हैं, और गूगल लोबान और इस तरह की कुछ और अन्य जड़ी बूटियाँ आप मिला के और अपने घर में हवन आदि कर सकते हैं। हाँ गुड़िया बता,
क्या कहना चाह रही गाय के बारे में? इनका दूध अच्छा रहता है। अच्छा दूध रहता है, क्या खासियत है इनके दूध में, भैंस के दूध में और इसके दूध में क्या फर्क है, बता भी दादा क्या फर्क है इनमें? भैंस के दूध में टेस्ट नहीं होता, ना ये प्रोटीन होता उतना। अच्छा उतना प्रोटीन भी नहीं होता। देखो ये छोटा बच्चा है, उम्र कितनी है बच्चे आपकी? 13 साल। और आपकी? 10 ईयर। दोनों स्कूल में पढ़ रहे हैं। अच्छा बच्चे यहाँ पे क्या क्या आपको दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कतें एक ही है, सबसे पहले लाइट नहीं है। लाइट नहीं है, जब गाय छोड़ते हैं रात को तो फिर ये है कि कहीं तो लाइट होती है कहीं होती नहीं है। ठीक है, कभी गाय के बच्चे हैं जो पैर गूंज देते हैं, पैरों के ऊपर चढ़ जाते हैं। ठीक है, फिर जब खाना बनाते समय भी वहाँ लाइट नहीं है, खाना बनाते वक्त भी रसोई में लाइट नहीं है। फिर टॉर्चों से टॉर्च है, टॉर्च से काम चलाना पड़ता है। यहाँ सौर ऊर्जा लगी है, सौर ऊर्जा को एक ही प्लेट लगी हुई है बस। हाँ, फिर इनकी गायों के उजाल होते हैं ताकि कुत्तों को मदद भी हो जाए। अच्छा यहाँ पे जंगली जानवर का कितना खतरा रहता है? हाँ, बहुत ज्यादा। मम्मी बता रही थी गायों से क्यों भाग रही थी उतना, तो वहाँ जंगली सूअर था। अच्छा जंगली सूअर से भी बहुत ज्यादा खतरा रहता है, जो जंगली सूअर है ना अक्सर हमला कर देते हैं गायों पे इंसानों पे। और बाघ वगैरह का क्या कुछ खतरा है, बगेरा है, बाघ है? अगर आप यहाँ जाओगे कहीं नीचे या फिर यहाँ तो आपके उनका मतलब जो गाय है ना उनका शरीर में हड्डियाँ मिलेगी आपको। अच्छा मतलब बाघ भी हमला कर देते हैं गायों पे कई बार? हाँ, एक अंदर गाय है ना उसका यहाँ नाखून मार दिया बाघ ने। बाघ ने यहाँ बच गई थी, उसने फिर बाघ को पीछे छोड़ के आ गए। अच्छा और बगेरे आते हैं यहाँ पे? हाँ बगेरे आते हैं। बगेरे कितने आते हैं? बगेरे जैसे अगर एक मर गया तो दूसरा आता रहता है। लेपर्ड, दरअसल बगेरे को इंग्लिश में लेपर्ड बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे लेपर्ड बहुत ज़्यादा हैं। और क्योंकि पहाड़ी एरिया है, जंगल है, आप देख सकते हैं कि इन छोटे छोटे बच्चों को काफ़ी दिक्कतें आ रही है। अच्छा बच्चे और बताओ और क्या क्या दिक्कतें आ रही है तुम्हारे को, पढ़ाई लिखाई में क्या क्या दिक्कतें आ रही है यहाँ पे? यहाँ तो नेट नहीं चलता है। अच्छा इधर आ जाओ इधर। हाँ ठीक है बताओ। काफ़ी किताब सामान लाया अगर उधर से गाँव से ना तो यहाँ लाने में बहुत दिक्कत होगी। इसको बताओ आगुटिया बताओ। और यहाँ फोन चार्ज करने के लिए भी नहीं है, मोबाइल चार्ज करने की कोई सुविधा नहीं है। अगर मोबाइल चार्ज करने जाएंगे नीचे जाना पड़ेगा पतला। अच्छा नीचे जाना पड़ेगा। अभी जैसे आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? मैं 5th में पढ़ रहे हो। और आप? 7th। ये 7th में। अभी लॉकडाउन लगा हुआ है काफी टाइम से, तो पढ़ाई हो रही है क्या यहाँ पे पहाड़ में गौशाला में, हो पा रही है आपकी पढ़ाई अच्छे से? क्या अच्छे से नहीं हो पा रही है? क्या कारण है, किस कारण से नहीं हो पा रही है? यार एक तो है मेन कारण है यहाँ नेट नहीं चलता है। इंटरनेट है ही नहीं, नहीं है ही नहीं। नेट नहीं है, नेटवर्क नहीं, सिग्नल नहीं है तो नेट ही नहीं चलेगा। एक चार्ज नहीं हो पाता, चार्ज नहीं हो पाता। जैसे अब मैं भी ट्राई कर रहा था कल कि कोई वीडियो कॉल या व्हाट्सएप कॉल हो जाए, लेकिन वो भी नहीं हो पाती है। और जितना भी बच्चों की जो पढ़ाई हो रही है वो सब वीडियो कॉल के माध्यम से हो रही है, वो हो नहीं पाता, इसलिए बच्चों की यहाँ पे पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है। यहाँ पे अगर सोलर लाइट लग जाए, सोलर बड़ी बड़ी प्लेटें लग जाएं जिससे मोबाइल चार्ज हो जाएगा, और एक आध कोई जियो फाइबर का नेटवर्क भी आ सकता है यहाँ पे, जिससे कि इन छोटे छोटे बच्चों की पढ़ाई भी हो सके, या जो भी आम जैसे मेरे जैसे आदमियों को, जैसे मैंने काफ़ी सारी वीडियो बनाई हैं अपलोड ही नहीं हो पा रही हैं टाइम से, कुछ मैं लाइव दिखाना चाह रहा था लाइव नहीं आ पा रहे हैं, काफ़ी दिक्कतें हैं यहाँ पे। और क्या क्या दिक्कतें हैं खाने पीने से संबंधित, क्या क्या दिक्कतें आती हैं? खाना पीना खत्म हो गया ना तो फिर जाएंगे कहाँ पे, जाने के लिए घर जाना पड़ेगा। कितना दूर है, क्या घंटे का? नॉर्मल आदमी कितने घंटे में जा सकता है? अगर मेरे जैसा आदमी मेरे तो कर लोगों से 2.5-3 घंटे, 2.5-3 घंटे तक पैदल चलना पड़ेगा पहाड़ पे उतरना चढ़ना और लगातार 2.5-3 घंटे तक चल नहीं सकता आदमी, जो मैंने फील किया, क्योंकि मैं कल आया था तो मेरी हालत खराब हो गई थी। आप समझ सकते हैं इस तरह के ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ है ना, ये देखिए ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे ये चढ़ना उतरना ऐसे से करीब 5-6 पहाड़ क्रॉस करके आना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, और क्या दिक्कत है? जैसे यहाँ पे कोई डॉक्टरी सुविधा है कि नहीं है? नहीं। हाँ लड़की बताओ। नहीं है। अगर कोई बच्चा बीमार हो जाए, आदमी बड़ा बीमार हो जाए तो क्या सुविधा है उसके लिए यहाँ? हाँ यहाँ कोई यहाँ पे बस केवल जड़ी बूटियाँ खानी पड़ती हैं। जड़ी बूटे खानी पड़ती हैं। अच्छा यहाँ पे बेटे आप बता रहे थे यहाँ पे कई तरह की जड़ी बूटियाँ हैं, वो शुगर वाली जड़ी बूटी कौन सी है जो आप बता रहे थे, क्या है थोड़ा उसके बारे में बताओ? बांगू क्या है? ये किनगोड़ है। अच्छा उसका क्या 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 फायदा है? जो किनगोड़ होती है उसका जो जड़ होती है ना उसको जड़ को खाना, फिर धोना है, फिर गर्म पानी में उबाल के उसका पानी पीते रहना है। अच्छा क्या फायदा होगा उसे? उसे शुगर आपकी मिट जाएगी, सारी शुगर खत्म हो जाएगी बिल्कुल। शुगर का बिल्कुल एकदम
एकदम बढ़िया रामबाण इलाज बताया है। वो जड़ी बूटी भी मैं अभी जाऊंगा इस भैया के साथ में और जाके जड़ी बूटी देखूंगा मैं, वो कौन सी जड़ी बूटी है, हो सकता है शायद मेरे को पहचान में आ जाए तो अच्छी है, नहीं पहचान में आएगी मैं कुछ लेके जाऊंगा अपने साथ में। और कुछ पेशेंट हैं उनके ऊपर हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, कई सारे बंदे जो शुगर की रोज़ गोली खानी पड़ती है, हर रोज़ कई बार दो दो टाइम भी गोली खानी पड़ती है, तो उससे निजात मिल जाएगी अगर उनका इंसुलिन लेवल बिल्कुल मेंटेन हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा सुबह शाम एक एक गिलास। अच्छा और क्या क्या है जड़ी बूटियों में? एक बांगो होता है। बांगो वो क्या काम आता है? अगर किसी का कट रहा है, जैसे गाय गू कट गई, मतलब हमारा भाई हमारा जो चोट लग गई, कोई खून बह रहा है उसमें, तो फिर उसको लाना पड़ता है ना। हाँ। फिर उसको जैसे पीस के फिर हाथ में दबा के उसमें थोड़ी पानी डाल के उसका रस, उसकी चटनी बना के उसका रस निकाला जाता है। हाँ, रस लगाया जाता है। पैर में डालना पड़ता है, जो बाहर का छिलका होता है उसको भी लगा दो, फिर कपड़ा बांध दो, हर दूसरे दिन निकालते रहो, फिर डालते रहो, बहुत जल्दी जख्म 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 जैसे दवाई से सही हो जाएगा। अच्छा बेटे और बताओ और क्या क्या यहाँ पे होता है जड़ी बूटियों में? एक मीठा पत्ता है, एक चीनी पत्ता है। यहाँ पे दोस्तों दालचीनी का पेड़ है, मैं अभी दालचीनी का भी पेड़ भी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे बहुत सारे जंगल है दालचीनी के, और जो भी दालचीनी के अपने घर में इस्तेमाल करते हैं वो ये नहीं बताओ कितनी पुरानी है और कैसी है, लेकिन मैं यहाँ पे दालचीनी भी अपने साथ कुछ लेके जाऊंगा अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, और दालचीनी भी इन फ्यूचर में अवेलेबल करवाएंगे जो भी। और सतावर तो मैंने कल बताई थी, कल एक कुछ वीडियो और है मेरी पुरानी वो भी देख लेना, सतावर यहाँ पे बहुत मात्रा में है, देसी सतावर वो भी हम लोगों ने कल निकाली थी उसकी जड़, और अभी और भी निकाल लेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत, और मेरी प्लानिंग है कि यहाँ पे कुछ अच्छी और यहाँ पे कुछ अच्छी खेती हो सके। और बताइए और क्या कहना चाह रहे हैं? और अच्छा, तो यहाँ एक असुविधा है, मैं तो यहाँ बाथरूम में नहाने के लिए, बाथरूम नहाने के लिए नहीं है क्योंकि ओपन में ही बैठ के खुले में बैठ के नहाना पड़ता है। अब जैसे यहाँ पे माताएं बहने हैं वो कैसे नहाएंगी, आदमी भी कैसे नहाएंगे बैठ के ना, और बाथरूम नहीं है, लेटरिन बाथरूम नहीं है, खुले में ही जाना पड़ता है, शौचालय नहीं है, है ना। ये शौचालय बन जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा ताकि यहाँ पे ये बच्चे लोग रह सकें, इनका परिवार अच्छे से रह सके। और गर्मी तो है क्योंकि गर्मी ये पहाड़ हैं, हालांकि ठंडी हवा जब चलती है तब चलती है, रात के टाइम थोड़ा ठंड हो जाती है, दिन में पत्थर के कारण गर्म हो जाती है। और पत्थर किस क्वालिटी के हैं ये मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए पत्थर जो ना ये बिल्कुल स्लेट टाइप के पत्थर हैं, ये बहुत जल्दी गर्म होते हैं और जल्दी ठंडे होते हैं। और यहाँ पे जैसे बारिश हो जाती है, बारिश का कैसा है यहाँ पे, बारिश में आपको क्या क्या दिक्कतें आती हैं? गर्मी में बारिश हो रही है तो गाय बाहर रहती है ना, तो फिर जैसे गाय बाहर रह गई फिर इनको गोबर कर दिए, फिर जब उसको साफ करते हैं ना फावड़े से नहीं हो पाता, वो बेलचा लगाना पड़ता, बेल जैसे खुरचना पड़ता है, बेलचना। अच्छा और यहाँ पे जैसे अचानक से बारिश गिर गई, ठंड का मौसम हो रहा है, बारिश कई बार सर्दी में भी बारिश हो जाती है तो गायों को भी काफी तकलीफ होती होगी, कुछ गाय तो अंदर आ जाती है। हाँ। कुछ उछा नहीं सामने, उधर ले जाना पड़ता है, बहुत दूर जाना पड़ता है। हाँ। अगर यहाँ पे एक साइड बन जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ। एक साइड और बन जाए है ना। हाँ। भाई उसके लिए जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके लिए क्या कहना चाह रहे हो, क्या मैसेज देना चाह रहे हो कि वो जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो आपकी किस तरीके से मदद कर सकते हैं ये बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ खड़े थोड़ी तेज बोलो, पहले लाइट की सुविधा हो जाए और यहाँ गायों के लिए सुविधा हो जाए तो बहुत सही रहेगा। अच्छा गायों के लिए सुविधा हो जाए, लाइट लग जाए बेसिक और गायों के जैसे सेट बन जाए। अच्छा यहाँ पे गायों को नमक भी नहीं मिलता, मैं देख रहा हूँ नमक चाटने के लिए पत्थर वाला जो सेंधा नमक घर से पहाड़ से लाना पड़ता है, वो खच्चर पे ढोना पड़ता है, उसके लिए अलग से कॉस्ट पड़ती है। यहाँ पे अगर कुछ भी आपको सामान लाना, जैसे यहाँ पे मान के चलो नमक खत्म होगा अचानक से तो नमक नहीं आ पाएगा, यहाँ पे मिर्च खत्म होगी तो मिर्च नहीं आ पाएगी, क्योंकि उसके लिए स्पेशल कोई बंदा आएगा उधर पहाड़ को क्रॉस करके। ये जो आप बड़े बड़े पहाड़ देख पा रहे हैं ये इस तरह के बहुत कई पहाड़ क्रॉस करके आना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। और बेटे और बताइए आपके नाम क्या, नाम बताओ? सोनाक्षी। सोनाक्षी और आपका? आयुष। ये दोनों बच्चों ने बहुत ही अच्छे जानकारी दी है दोस्तों, और इन दोनों बच्चों की जो भी भाई मदद करना चाह रहे हैं वो मदद कर सकते हैं। ये देखिए छोटा छोटा गोवंश है, बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे देसी पहाड़ी गायें हैं हमारी, बदरी गायें, और इकलौती ऐसी गौशाला है। अगेन मैं फिर भी बार बार रिपीट करूँगा कि ये अकेली ऐसी गौशाला जो जिसमें आप मदद कर सकते हो, और सही मायने में आप जो मदद करोगे आपकी मदद हो, जितना भी आप इसमें धन की सहायता से आर्थिक
तन मन धन से कुछ भी आप इसमें मदद करना चाहें तो आप मदद कर सकते हैं। और जितना भी आप पैसा दोगे इसमें डायरेक्ट मैं ये इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अकाउंट डिटेल डाल दूंगा, आप देख लेना। और जो भी मदद हो सके प्लीज़ उनकी मदद कीजिए। ये देखिए कैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, देखिए अभी आइए अभी एक वीडियो और बना रहे हैं, नेक्स्ट एक वीडियो में दीदी का इंटरव्यू लेंगे जो यहाँ पे रह रहे हैं और उनसे भी जानते हैं यहाँ के हालात क्या क्या हैं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।